गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। अब मॉर्निंग का समय है, आज मैं मॉर्निंग से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। चलिए आज मैं बाल धोया है, मेहंदी प्रिपेयर करूँगी और कल बाल में मैं मेहंदी लगाऊँगी। चलिए मेहंदी प्रिपेयर करते हैं। लाइट पहले चालू कर देते हैं। यह है नूपुर मेहंदी। यहाँ मैंने रखा चाय पत्ती उबाल के, उसके पानी, दही और नींबू। बस ये सबको मैं मिक्स करके आज रख दूंगी, कल मैं बाल में लगा लूंगी। मेहंदी रेडी हो गई है, कल मैं इसको बाल में लगाऊंगी। कौरारविंदे नौपदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् बाटस्य पात्रस्य पुटे शयनम् बाळं मुकुन्दम् स्मरामि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। यहाँ मैंने आ गई हूँ मुरमुरा चाट बनाने के लिए। इसके लिए मैंने सब सामग्री रख लिया है, प्याज, टमाटर, मिर्ची, थोड़ा सा नमकीन, धनिया का पत्ता, मुरमुरा, थोड़ा सा छोटे छोटे काट के गाजर, पहले काला नमक डाल देती हूँ और बाकी सब सामग्री भी डाल देती हूँ। लास्ट में नमकीन। उसके बाद मैं डालूँगी उसमें चटनी, धनिया की चटनी है, धनिया, मिर्च और नींबू की चटनी। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बन के रेडी हो गया है, जाती हूँ खाने के लिए। सुबह का मुरमुरा खा लिया है, मुरमुरा चाट बहुत टेस्टी था। दो तीन दिन हो गया, दीप का बहुत याद आ रही है, तो आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ। इसलिए जो थोड़ा सा मैं सोच से थोड़ा हट जाऊँ। और होली तो था, चलिए वो जो मुरमुरा जैसा चीज़ खाने के बाद बहुत प्यास लगता है। और मैं यहाँ बनाया ये अंगूर के जूस। अंगूर थोड़ा सा खट्टा था तो जूस बना दिया। जूस पी लेंगी, फिर मैं उसके बाद जाएंगी खाना बनाने के लिए। आज दिन भर में ब्लॉगिंग करूँगी आपके साथ बातें करते हुए, जो थोड़ा सा मैं जो थोड़ा सा बेटी का याद आ जाता है। थोड़ा सा इंसान हूँ, मन थोड़ा सा कुछ हो जाता है, ऐसे कभी कभी लगता है वो। और मेरा बेटा जो है ना, वो बिल्कुल बात नहीं करता, एकदम चुप स्वभाव का है, क्या करें। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके साथ बात करूँगी, काम काज करूँगी तो थोड़ा सा मेरा भी हो जाएगा थोड़ा हल्का। बनाने वाले हूँ मिक्स वेज, मटर पनीर, काजू पेस्ट, प्याज,
अदरक लहसुन बीन्स गाजर टमाटर का पेस्ट अभी रात हो गई है। दिन भर आप लोगों के साथ बातें की, अपना मन का शेयर की, जो भी दिल की बातें हैं काम काज भी की। अच्छा मतलब टोटल जो ब्लॉगिंग की वो बहुत अच्छा लगा, बहुत हद तक मेरा मन हल्का हो गया और ठीक हो गई। अभी रात को अभी खाना खा के सो जाएंगे। मैं थोड़ा जल्दी खाना ले लेती हूँ और खाना निकाल के बेटे के लिए रख देती हूँ, फिर मैं जल्दी ले कर सो। मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशूज के कारण मैं ज़्यादा देर तक खाना रखती नहीं, 9 से 9:30 के अंदर खाना खाती हूँ, बिस्तर पे चली जाती हूँ। हाँ नींद इतना जल्दी नहीं आता, 11, 11:30 के बाद जाके नींद आती है, मगर ऐसा नहीं, 10 बजे तक मैं बिस्तर में चली ही जाती हूँ। वो बहुत पहले से ऐसे कर ली है। जब बच्चे 10th तक थे तो नहीं हो पाता था, क्योंकि उनका पढ़ाई बहुत रहता था, होमवर्क बैठना पड़ता था उनके पास। उसके बाद 3-4 साल हो गए ऐसे हो गया मेरा। और आज दिन बहुत अच्छे से कट गया। चलिए आप लोगों के साथ मिलूंगी फिर और एक नेक्स्ट ब्लॉग में। दीप ने अपने लिए एक अच्छा सा शूज ली है, उसने भी उसका फ़ोटो मेरे को भेजी है और उस फोटो भी देख रही थी मैं। चलिए।